देखिए, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। बचपन तो हम लोग का तो खेती बाड़ी का, हम लोग का तो गांव में, हम लोग का हिन्नू मौजा गांव हुआ। पिताजी खेती बाड़ी किसान थे और खेती बाड़ी से ही हम लोग का पूरा रोजी रोटी चलता था। स्कूल में भी हम लोग पढ़ाई करते थे और उसके बाद खेत में भी टाइम से खेत जैसे होमवर्क करना है वैसा खेती भी करना है। वैसे खेती कर करके हम लोग का धान उगाते थे, सब्जी उगाते थे, उसी से हम लोग का डेली का खाना पीना चलता था। एक फेमस डायलॉग है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक यही किया मंजुल केरकेटा ने। कामयाब बनने के कोई राज नहीं होते, ये सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से होते हैं। समय पर जो धंधा मिला उसे पूरे मन से किया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कभी भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। तो हम अपना लोगों को अपना ऐसा बहुत लोग क्या है ना कि अरे गैस में काम कर रहा, अपना मोहल्ला में जाएंगे तो देख लगा रही साला ये तो गैस बांट रहा है। मेरा वो सोच नहीं था कि अपना लोग अपना मोहल्ला में जाएंगे तो लोग गैस बांटेंगे तो अपना खुश रहेगा। सब सबको घर घर जा करके हम दे देते थे, पूरा दम आ जाता था सब। सफलता के रास्ते कभी आसमान नहीं होते, मुश्किल दिनों के कभी प्रमाण नहीं होते। कभी जिसे घर की माली हालत खराब होने की वजह से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, गिनती होती है झारखंड के चुनिंदा बिजनेसमैन में। हौसलों को जोड़कर पंख बना लेते हैं लोग, उड़ने के लिए अपने सपने सजा लेते हैं लोग। अगर हाथों में कामयाबी की लकीरें ना हो, तपाकर खुद को कुंदन बना लेते हैं लोग। हमारे पास उस समय कंस्ट्रक्शन लाइन में है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक तो होता है ना बिल्डिंग लाइन बनाना है, करोड़ों का बिल्डिंग बनाना है, कुछ फंड चाहिए, तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था। पिताजी लोग घर का भी स्थिति ऐसा नहीं था कि हम लोग पूंजी माँ बाप से मिला और डेवलप का काम शुरू किए। वैसे करते 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 एक हमने बर्दवान कंपाउंड में शुरुआत किया बिल्डिंग का। किसी तरह हम लोग उस समय झारखंड भी अलग हो गया। अलग होने के बाद फिर हमको एक लैंडलॉर्ड मिला करमटोली का,
वो बिना पैसा का बिना शर्त का हमको वो जो डेवलप एग्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हम रात दिन मेहनत करके उस समय जिस समय हम शुरुआत किए थे उस समय किसी को भरोसा नहीं होता था कि अरे ये बिल्डिंग बनाना शुरू किया इसके पास तो कुछ भी नहीं है कैसे बनाएगा, इसके पास हम लोग लेंगे तो हम लोग का हो सकता है पैसा डूब जाए। फिर भी हम लोग जो है ना रात दिन हम जो कभी जमशेदपुर जाते थे, कभी चाईबासा जाते थे, कभी लोहरदगा जाते थे, जितने अपने लोगों के पास जो सर्विस करते हैं सबको हम लोग कन्विंस करते थे हम कि हम यहाँ शुरू किए हैं हमसे फ्लैट लो। तो वो लोग भी पूछता था कि पहले कहीं बनाए हो नहीं बनाए हो। तो ऐसी 100 में 2-4 आदमी हमको ऐसा लोग मिले कि वो लोग कि हाँ चलो वो लोग सपोर्ट हमको किए। तो 5-6 बुकिंग हमारा हो गया, 5-6 बुकिंग से ही हम धीरे धीरे करके बिल्डिंग हम फाउंडेशन शुरू करना चालू किए। फाउंडेशन शुरू करना चालू किए तब धीरे धीरे हमसे जब बिल्डिंग मटेरियल का जब वहाँ हमको फाउंडेशन उठाने का ये हुआ, जब मटेरियल का ज़रूरत पड़ा तो उस समय हमको दुकानदार लोग भी दुकान से स्टील हम कहते थे कि एकाध महीना का क्रेडिट में हमको आप लोहा दे दो, आपको हम पैसा एक महीना में देंगे। कई दुकान वाला तो रिफ्यूज कर दिया नहीं दिया, लेकिन हमको एक दुकान वाला जो लालपुर में है वो देखा कि ये लड़का मेहनती लड़का है और मन का साफ लगता है, ये लड़का को एक चांस हम लोग देते हैं। तो लोहा हमको दिया, दोस्तों 300 केजी दिया, उसी से हम एक एक पिलर खड़ा किए। जो प्रोजेक्ट हमको 3 साल में हमको बनाना था वो हमको 5 साल लग गया। उसके बाद फिर हमारे फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद अब हमको शुरुआत किए, फिर हम यहाँ निफ्ट के पास हम बनाए, निफ्ट के पास बनाए। तो वहाँ पे हमको जब बर्धवान कंपाउंड में बना दिए उसके बाद में कुछ ग्राहक लोग हमको पूछने लगा पिछला बैग का कि आप पहले कहीं बनाए, तब हमको उस समय हमको बोलने का ये हुआ कि हाँ हमने 64 फ्लैट बर्धवान कंपाउंड में बनाया। तब वो लोग भरोसे में हमको तब बुकिंग होना चालू हो गया। तो लोगों को अब भरोसा हो गया कि हमारे ऊपर भरोसा हो गया कि भागने वाला नहीं है, ये बना के देने वाला है। इसीलिए मार्केट में हमारा कहीं पे शिकायत नहीं है अभी तक। फर्श पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता, हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है और कहीं वो दोपहर के सूरज की तरह तप रहा हो तब सबकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। पिताजी लोग 4 भाई थे, चारों भाई सब जॉइंट फैमिली थे और पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। पिताजी अपने भाइयों को छोटे भाइयों को सबको पढ़ाया लिखाया पिताजी। नहीं, पिताजी बहुत लिबरल थे, बहुत ही मिलनसार थे, स्वभाव के थे, बढ़िया विचार के थे। गांव घर में भी सब लोग आज भी पिताजी का नाम लेते हैं कि उनके फादर जो मंजुल जी का फादर बहुत अच्छे थे। तब उनका बेटा देखिए पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने बेटे लोग को पढ़ाए लिखाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, बेटा लोग भी बहुत पढ़ नहीं पाए लेकिन अपने जगह में वो लोग पैर पे खड़ा हुए। फिर हमारा पिताजी गुजर जाने के बाद फिर हम लोग का पढ़ाई लिखाई भी पूरा नहीं हो पाया, फिर हम लोग की फिर शादी हो गई। लव मैरिज नहीं था, वहाँ हिसाग था ना, हिसाग बस्ती था, स्कूल में थे, 9th क्लास में पढ़ते थे उस समय। हम लोग का जान पहचान हुआ 94-93 बोला था अरे कहाँ इसका इसका सब लोग नौकरी करता, कहाँ ये गैस बेचने वाला का यहाँ लगा दिए, इसको दे दिया। बहुत लोग उस समय जो है ना पूरा समाज समझिए कि विरोध में था।
लेकिन माँ बाबा लोग बोले ना कि इसमें है ना कि मेहनती है और करके मतलब हाँ माँ बाबा बहुत अच्छे थे, वो लोग बोले अभी नहीं है तो क्या हुआ करके कमा के खिलाएंगे उसको थोड़े ना भूखे रखेंगे। इतना मम्मी पापा थे, मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं भी थे लेकिन हम लोग को जैसा भी है हम लोग को पढ़ाए लिखाए, हम लोग पढ़े कुछ तब भी बच्चा लोग हम पढ़ा सके अभी। हम्बल और सोबर नेचर के पापा और हमेशा हेल्पफुल नेचर के हैं, सबसे अच्छे से मिलते जुलते हैं और हमारे प्रति हमारे एडुकेशन में वो हमेशा बचपन से ही लेकर एकदम मोटिवेट करते रहे हैं हमें। पापा मेरे साथ सबसे ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं और सर घर में सबसे पहले कभी भी बाहर से आते हैं तो सबसे पहले मुझे सबसे पहले मेरा ही नाम लेते हैं कि आप कहाँ गया कहाँ पर है, हमेशा मुझे ही ढूंढते रहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि सबसे घर का सबसे छोटा बेटा मेरे साथ ही रहना चाहिए हमेशा। अच्छा लगता है बहुत, इनके थ्रू से हम को भी बहुत जानने लगे लोग, परिवार को भी जानने लगा सब। अभी तो मैं 11th में हूँ तो मैं चाह रहा था कि भैया तो पापा की लाइन पे जा ही रहा है तो मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा अलग लाइन पे जाके मींस मैं लॉ के लिए तैयारी करना चाहता हूँ। मेरे रोल मॉडल तो मेरे पापा ही हैं और उनको देख के हमेशा हार्डवर्क करने का आता ताकत मिलता है, ऐसा नहीं कभी फील होता कि लो फील हो रहा है तो कभी पापा को देख लिया तुमसे एनर्जी मिलता है कि हाँ नहीं अभी इस उम्र में तो नहीं, जब पापा इतनी उम्र में कर ले रहे हैं तो इतने लो अभी इस उम्र में कैसे रहते। सफलता मिलेगी उसे जो चलेगा शाम तक, जीत उसकी होगी जो लड़ेगा अंजाम तक। पहचान मिलती है मंजिल पर पहुंचकर, रास्ते कभी किसी की पहचान नहीं होते। कामयाबी पाने के लिए अगर बेताब हो तुम तो हिम्मत और हौसला बरकरार रखना। खाना वाना सब दवा ना सब खाना कहीं हाँ टाइम से सब होगी ठीक हो ना दवाई दवाई सब कैसा था पूछा सब बेटा ठीक है बचपन में कैसा था बताओ बचपन हाँ कैसा लगाया था तो मंजू बोल दी तो मंजू चल गया मामा से अपनी था हो गया रिश्ता फिर कितना पहला कमाई हम 2000 इधर गैस एजेंसी में हम कमाना शुरू किए, गैस एजेंसी में कमाना किए उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक स्टडी बूथ हम लोग खोले घर में, अपना मकान में स्टडी बूथ खोले और उसी स्टडी बूथ में ही एक छोटा सा उसमें हम एक ट्रेवल एजेंसी का भी मैंने गाड़ी घोड़ा बुकिंग जो नहीं होता था उसका मैंने दूसरे का गाड़ी हमारे यहाँ सब कॉन्टेक्ट नंबर देता था उसी से 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये एक गाड़ी में हम लोगों बचता था उसी से हम लोग स्टडी बूथ ही खोलते थे दोनों बैठते थे स्टडी बूथ में।
और उसी से 250-300 रुपये अगर डेली हम लोग का स्टडी बूथ में पैसा आता था, 250-300 में हम लोग को बचत आता था, 50-60 रुपये बचत आता था। तो ऐसे ही करके हम लोग धीरे धीरे, फिर हम लोग शादी हुए, फिर हमारे एक छोटे बच्चे हुए जो अभिषेक है, बड़ा अभी लड़का अभी बड़ा है, और एक छोटा बेटा सिद्धार्थ है। जिम्मेदारी बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ने के बाद भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रह गए, कुछ ना कुछ मैंने मेहनत की, मेहनत हम लोग मैंने हरासमेंट नहीं हुए कि हम लोग एक से दो से तीन हो गया, तीन से चार हो गया, ऐसे हम लोग को कभी एहसास नहीं हुआ। ऊपर वाला हम लोग को इतना दिया कि मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही। कभी आह नहीं करते जिन्हें सफलता की धुन हो, चाहे गर्मियां हो तपती या चाहे सर्दी सुन्न हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी ऐसा बहुत सारा बिल्डर्स को देखते हैं कि छोटा छोटा काम करते हैं, बहुत किसी से मिलते हैं जुलते भी नहीं हैं। हम तो एक छोटा से सप्लायर भी आता है तो उससे बैठ करके बढ़िया से डिस्कस करते हैं, उसको भी सप्लायर को भी एक विश्वास होता है। बड़ा बड़ा जैसे बिल्डिंग मटेरियल में जगवार कंपनी का जितने भी अभी सामान वगैरह लगाते हैं, वो लोग भी हमको कहते हैं कि मंजुल जी आप सामान ले जाओ, पैसा बाद में देना, आपको जब देना होगा जब तब देना। अगला बिल्डर क्या करता है नहीं करता है वो हम नहीं जानते हैं। बहुत सारा देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, कोई भाग गया, कोई क्या हो गया, उसके पीछे हम ना जाते हैं, ना सुनते हैं, ना किसी का शिकायत हम बोलते हैं। नाइन्टी फाइव में शादी हुआ, उसके बाद पिताजी 2016 में पिताजी एक्सपायर किए, और उसके बाद धीरे धीरे फिर बेटा बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद में फिर उसको टेन किया, टेन करने के बाद फिर उसके बाद हम 2004 में हमारा ये बिल्डिंग लाइन में, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में हम आए 2004 में। परिवार को तो समय हम तो देते ही हैं, खासकर मेरी जो मेरी धर्म पत्नी है ये पूरा घर का यही संभालती है, और दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इन्हीं का हाथ है। हम तो काम में निकल जाते हैं और दिन भर अपना काम करते हैं, उसके बाद में शाम में आते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और बच्चों से बोलती है कि अरे तुम बच्चे लोग को पूछो पढ़ाई लिखाई के, मेरे टाइम में बैठो। इसी का देन है कि आज बड़ा लड़का भी इंजीनियर बन गया, छोटा लड़का 11 में है। जाते हैं हम लोग, देखिए आज इतना घूमने फिरने का हम लोग एक रूटीन हम लोग करते हैं। कभी कभी हम लोग निकलते हैं 10-15 दिन के लिए, हम लोग कहें कभी मुनार चल गए, कभी शिमला चले गए, बहुत जगह हम लोग घूमते रहते हैं। शिलोंग भी दो बार गए, केरल भी दो बार गए, कभी कामाख्या जाते हैं, कभी आप राजस्थान जाते हैं तो हम लोग वहाँ अजमेर बाबा के यहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं। हम सभी धर्म स्थल में जाते हैं। हाँ, स्टाफ लोग भी हमारे बड़ी ईमानदारी से सब लोग काम करते हैं, और हमको भरोसा है कि वो लोगों को भी इतना हम ट्रेंड कर दिए हैं अभी कि वो लोग जितने भी वहाँ ऑफिशियल वर्क करता है, ऐसे भी देखा, ऐसे भी हमको ऊपर वाला भगवान की कृपा से सब कुछ अभी मिल गया है। और ऐसे भी गांव घर में जैसे किसी का घर अधूरा बना है, नहीं बना पा रहा है, तो उसको हम सपोर्ट कर देते हैं, उसको सपोर्ट कर देते हैं। किसी के घर में शादी होना है, उसके घर में शादी करने के लिए पूरा वो सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसका वैसा वैसा भी हम पूरा शादी का पूरा खर्चा जितने जो घटी बढ़ी होता है सब हमने पूरा करते हैं। अभी लॉकडाउन में भी हम अगर लाखों रुपया का लगभग 20-25 लाख रुपया का भी हमने सामग्री बांटे हैं। पूरे गांव-गांव में खुद हम लोग चारों परिवार जा करके, दोनों बेटे और हम लोग दोनों मिल के, चारों मिल के
गांव-गांव में जा करके हम लोग चावल दाल बांटने का भी काम किए हैं। हाँ, समाज सेवा में हम समाज अपने विश्वास करते हैं, अपने कर्म है अपना हम करते हैं, बाकी तो ऊपर वाला। आज का जो जनरेशन है, आज जितने भी यूथ हैं चाहते हैं वो लोग की तुरंत में मिल जाए सब कुछ, लेकिन मिलता नहीं है। मिलेगा कैसे? जब तक वो मेहनत ईमानदारी से नहीं करेगा, विश्वास लगन और जनता को विश्वास दिलाना, तभी जा करके हर काम आप आगे पूरा कर सकते हैं। पैसा से ही सब चीज़ नहीं होता है, लेकिन हमने ईमानदारी से मेहनत करके लगन हर काम में पेशेंस रख करके हमने आज इतना यहाँ तक पहुँचे। उसी तरह आज का यूथ को हम संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग भी मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, मुकाम में मुकाम तक पहुँचे। देखिए, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। कामयाब बनने के कोई राज नहीं होते, ये सिर्फ मेहनत और ईमानदारी। कामयाबी पाने के लिए अगर बेताब हो तुम, तो हिम्मत और हौसला बरकरार रखना।